गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग सर। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो ये मान के चलिए आएगा ही आएगा। तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये मान के चलिए कि डेफिनेटली आएगा। ये अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है पेपर तो उसमें ये इसका एक क्वेश्चन 100% होता ही होता है, किसी भी एग्जाम में हो। इवन आपका बी कॉम का हो, बी बी ए हो, एम बी ए हो, उसमें हर जगह ये क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यूमेरिकल है सॉल्व द फॉलोइंग एल पी पी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो हम लोगों ने अभी तक सिंप्लेक्स मेथड में इसकी एल्गोरिथम पढ़ ली थी, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो भी पढ़ लिया है हमने, और इसमें कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो सारा सब कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम इसका एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है। कल हमने जो एल्गोरिथम बताई थी उसमें जो है ये सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी एक एग्जाम्पल लेकर के, और आज हम इसको प्योर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। उसी एल्गोरिथम को हम इस न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, मैक्स जेड इक्वल टू 15x1 प्लस 6x2 प्लस 9x3 प्लस 2x4। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैंने ये न्यूमेरिकल इसलिए लिया है ताकि इसमें आपके वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, आपके इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, और इसमें आपके तीन सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी वजह से इसमें हम तीन स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। लेने को हम एक छोटा भी ले सकते थे जिसमें दो वेरिएबल होते, दो स्लैक वेरिएबल होते, जैसा कि कल हमने एक एग्जाम्पल में किया था। लेकिन क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इस वजह से हमने ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें आसान चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। तो इस वजह से हमने इसको एक क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा मीडियम साइज का लिया है बड़ा, जिससे इसमें तीन या चार टेबल बनेंगी। जो हम इसमें टेबल बनाते हैं उनको बोलते हैं एट्रेशन टेबल। तो हमारी इसमें तीन या चार टेबल बनेंगी, बनाने को हमें दो या तीन में भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन इसमें ज़्यादा टेबल बनेंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, जेड इक्वल टू 15x1 प्लस 6x2 प्लस 9x3 प्लस 2x4। यहाँ पर हमारे पास चार डिसीजन वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3 और x4, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का है, वो मैक्सिमाइजेशन का है, मतलब कि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। आगे देखते हैं सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 प्लस 6x4 लेस देन इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए ये इसका इस लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब है कि हमारे पास जो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो ये चार चीज़ें पड़ रही हैं उसमें ये जो चार प्रोडक्ट हैं उसमें जो हम क्वांटिटी है उसको कितना एक प्रोडक्ट में हम इस 20 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम इस 20 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिमिलर दूसरे वाले में हम 24 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, 24 या उसके अंदर ही हमको रहना है, यहाँ पर 20 या 20 के अंदर ही रहना है। फिर जो अगला है उसमें 7x1 प्लस x4, इसमें केवल दो ही ये चीज़ें पड़ रही हैं और उसमें जो है हम 70 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट है x1, x2, x3, x4, मतलब कि आपके पास जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये हम ऑलरेडी सब पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा। तो री राइट द इनइक्वलिटी ऑफ द कॉन्स्टेंट इन टू एन इक्वेशन बाई एडिंग स्लैक वेरिएबल्स s1, s2 एंड s3 द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP becomes। कल हमने जब बताया था तो हमने बताया था कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल इसमें ऐड करना होता है, किसमें, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में, और उसी स्लैक वेरिएबल को जीरो कोफिशिएंट के साथ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर तीन सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट हैं, तो इसका मतलब कि तीन स्लैक वेरिएबल जुड़ेंगे s1, s2, s3। हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ही क्यों जोड़ रहे हैं, सरप्लस या आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो ये सिंबल है, ये सिंबल है लेस देन इक्वल टू का। लेस देन इक्वल टू की कंडीशन में
हमारे पास स्लैक वेरिएबल ऐड होता है। अब अगर यही हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता तो हम यहाँ पर फिर सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ ये सिंबल लेस देन इक्वल टू का है तो हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारे पास पहला सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है वो है 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 प्लस 6x4। अब यहाँ पर इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें पहला स्लैक वेरिएबल प्लस s1 जोड़ देंगे और जो लेस देन इक्वल टू है इसको इक्वल टू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो सॉल्यूशन किया तो इसमें हमने प्लस s1 ऐड कर दिया है और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू कर दिया। हमने कल ये बताया था इसमें किसमें सेकेंड स्टेप में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया पहला इक्वेशन, ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में हम दूसरा स्लैक वेरिएबल s2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो गया हमारे पास 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस 25x4 प्लस s2 इक्वल टू 24। हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है 7x1 प्लस x4 लेस देन इक्वल टू 70। तो हम इसमें तीसरा एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं s3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x1 प्लस x4 प्लस s3 और इक्वल टू 0 70। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इसमें जहाँ जहाँ जो जो वेरिएबल नहीं है, जहाँ जहाँ जो जो वेरिएबल नहीं है, जैसे आप थर्ड वाले सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में देखिए यहाँ पर x1 x4 है, x2 नहीं है और x3 नहीं है, x2 और x3 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके कॉफिशियंट 0 होंगे। जिस सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में जो वेरिएबल नहीं होगा उसका कॉफिशियंट 0 होता है, उसका कॉफिशियंट 0 माना जाएगा, ठीक। तब अब हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट क्या है, x1, x2, x3, x4। पहले तो हमारे पास इतने ही थे, अब देखिए हमारे पास तीन बेसिक वेरिएबल और आ गए हैं। जो सेलेक्ट वेरिएबल है वो बेसिक वेरिएबल होते हैं क्या, s1, s2, s3, ये सभी 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक। ये हमारे पास कंडीशन, ये आपके सभी क्वेश्चन चाहे जो भी क्वेश्चन हो ये सब में रहेगी। अब आगे बात करते हैं द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि हम पहले जो है क्या करते थे, जब ग्राफिकल करते थे तो उसमें x1, x2, x3 हम इनको ऐसे 0 कर लेते थे। अब मैं यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन हैं उनको लिख रहा हूँ और कह देता हूँ जो मेरे पास s1, s2, s3 है उसका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या आ रहा है और वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम एक दो इक्वेशन लेकर के उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला है हमारे पास 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 प्लस 6x4। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से 2x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस 5x3 प्लस 6x4 ये है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्लैक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है, प्लस s1, ये इक्वल टू है 20। जैसे हम पहले क्या x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 लेते थे, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं लेट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 और इक्वल टू कर लेते हैं 0। मान लीजिए कि आपके पास x1 x2 x3 और x4 0 है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ये आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने एक अभी जब पीछे बताया था तो एक डायग्राम बताया था, डायग्राम में हमारे पास क्या था कि ओरिजिन का पॉइंट आता ही आता है इस कंडीशन में, ओरिजिन का पॉइंट उसमें हम लेते ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू 0 एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s1 इक्वल टू आ जाएगा 20, s1 इक्वल टू आ जाएगा 20। अब देखिए कि जो s1 इक्वल टू 20 आया है, जो s1 इक्वल टू 20 आया है, क्या वो हमारे इस जो पहला सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है, जो हमारे पास पहला सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमने उसी से लिया था, तो हम उसी को क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेते हैं जरा,
ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सबकी वैल्यू जीरो रखते हैं और हमारे पास एस वन इक्वल टू 20 आएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास यहाँ था लेस देन इक्वल टू 20, ये था हमारे पास लेस देन इक्वल टू 20। और क्या यहाँ पर नहीं था, ये इस तरह से था कंडीशन। अब देखिए कि जो एस वन इक्वल टू 20 आ रहा है तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 20 है, बिल्कुल हाँ है, उसके इक्वल टू है, बराबर है। जो एस वन है वो इस कंडीशन को हमारी फॉलो कर रहा है, इसको ये लेस देन इक्वल टू हटाया मैंने यहां से इसको कर दिया इस पे, और यहां पर मैंने प्लस कर दिया एस वन। अब देखिए अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आप ये सब जीरो रखते हैं तो क्या होगा, आपका एस वन की बराबर वैल्यू आ जाएगी 20। तो आपका जो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। ये आपको मोस्टली सब केसेस में मिली जाएगा, ये मोस्टली आपको ये चीज मिली जाएगी। ऐसे ही दूसरे वाले में देखेंगे तो एस टू इक्वल टू 24 और एस थ्री इक्वल टू 70। तो ये क्या है कि जो हमारे तीनों सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट हैं इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आप किसी भी इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे जिसमें ये सिंबल होंगे उसमें आप जीरो 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 रखेंगे, किसके, जो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो वो आपका क्या है उस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्या कि वो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है टेबल। तो कल मैंने बताई थी सबसे पहले रखते हैं सी जे, सबसे पहले रखेंगे सी जे। सी जे क्या है, सी जे है आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशियंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशियंट है। देखिए ये रही आपका सी जे और इसके कॉफिशियंट, एक्स वन का कॉफिशियंट 15, ये रहा 15, एक्स वन के ऊपर ही हमने लिख दिया, ठीक। एक्स टू का कॉफिशियंट 6, ये देखिए एक्स टू के ऊपर रखा है 6। एक्स थ्री का कॉफिशियंट 9, ये देखिए एक्स थ्री के ऊपर रखा है 9। एक्स फोर का कॉफिशियंट 2, बहुत ध्यान से देखिएगा ये टेबल बनाने में, तो देखिए एक्स फोर का कॉफिशियंट 2 ये रहा इसके ऊपर, ये रखा है। एस वन का कॉफिशियंट 0, तो हमने ये देखिए यहाँ पर इसके एस वन के ऊपर रख दिया 0। एस टू का कॉफिशियंट 0, तो यहाँ पर भी हमने रख दिया 0। एस थ्री का कॉफिशियंट 0, तो हमने ये रख दिया यहाँ पर ये 0। अब इसके बाद आपको टेबल चालू करनी है, तो उसमें दूसरे नंबर पर आएगा सी बी। सी बी क्या है, सी बी है आपका बेसिक वेरिएबल के कॉफिशियंट कहाँ से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो बेसिक वेरिएबल है उनके कॉफिशियंट, तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये है, बेसिक वेरिएबल कौन से आपके, एस वन एस टू एस थ्री, तो उसके कॉफिशियंट यहाँ पर रख दीजिए 0 0 0। एक दूसरे नंबर पर लिखा है बी। बी क्या है आपके, बेसिक वेरिएबल्स, बी है आपके बेसिक वेरिएबल्स। यहाँ पर देखिए बेसिक वेरिएबल हम जो जो कॉफिशियंट ले हैं उसके सामने लिख देते हैं, एस वन एस टू और एस थ्री। एस वन का कॉफिशियंट 0, एस टू का कॉफिशियंट 0 और एस थ्री का कॉफिशियंट 0। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एक्स बी। एक्स बी क्या है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब कि जो हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं उनके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रखी है, जो हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था वहाँ पर B1, B2, B3 जो होते थे। तो यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट है उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है, 20, S1 वाले में ये 20, तो हमने ये देखिए रख दिया 20। दूसरे में कितना है, 24, तो ये देखिए हमने यहाँ पर रख दिया 24। तीसरे वाले में कितना है, 70, तो ये देखिए हमने तीसरे वाले में रख दिया 70, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, ये जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं उनके कॉफिशियंट हमें रख देना है सारे के सारे सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट से। पहले नंबर पर देखिए, पहले नंबर पर एक्स वन का कॉफिशियंट 2, एक्स टू का कॉफिशियंट 1, एक्स थ्री का कॉफिशियंट 5, एक्स फोर का कॉफिशियंट 6, एस वन का कॉफिशियंट 1, एस टू है नहीं तो कॉफिशियंट 0, एस थ्री नहीं है तो कॉफिशियंट 0। मैं यहाँ पर आपका जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट है उससे बोल रहा हूँ, आप यहाँ नीचे टेबल में मैच कर लीजिएगा। देखिएगा दूसरे नंबर पर एक्स वन का कॉफिशियंट 3, एक्स टू का कॉफिशियंट 1, एक्स थ्री का कॉफिशियंट 3, एक्स फोर का कॉफिशियंट 25, एस वन है नहीं कॉफिशियंट 0, एस टू का कॉफिशियंट है तो 1 हो गया, एस थ्री है नहीं कॉफिशियंट 0। फिर
तीसरे सब्जेक्ट की कॉन्स्टेंट में देखी, एक्स वन का कॉफिशियंट 7, एक्स टू है नहीं कॉफिशियंट 0, एक्स थ्री है नहीं कॉफिशियंट 0, एक्स फोर कॉफिशियंट 1, एस वन है नहीं कॉफिशियंट 0, एस टू है नहीं कॉफिशियंट 0, एस थ्री कॉफिशियंट 1। ये हमने टेबल बना ली इतनी। अब देखिए हमारे पास सी जे से लेकर के ये एस थ्री वाले जो यहाँ तक है हमने ये इतना कर लिया। अब इसके बाद जो स्टेप चालू होती है यहाँ से आपकी कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। जो ये टेबल बनेगी ये तो आपने क्या है आपके पास जो न्यूमेरिकल है और जो आपने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किया है उससे देख करके बना लिया। अब जो यहाँ से है अब आपको यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। कैसे? जो आपका जेड जे है आपको निकालनी है वैल्यू जेड जे की। आपका पांचवें स्टेप में क्या था? पांचवें स्टेप में था आपको नेट इवैल्यूएशन निकालना है जेड जे माइनस सी जे। आपका पांचवा स्टेप था नेट इवैल्यूएशन वैल्यू जिसमें आपको निकालना था जेड जे माइनस सी जे और उसमें ये चेक करना था कि क्या उसमें कोई निगेटिव वैल्यू है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप जेड जे निकालेंगे। जेड जे कैसे निकालेंगे? जेड जे निकालेंगे आप इस सी बी के कॉफिशियंट से और इसके करस्पॉन्डिंग जो सी जे है, फिर यहाँ पर एक्स वन है, फिर यहाँ पर एक्स टू, इन सब के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई और उनको ऐड करके, उनको ऐड करके। अब यहाँ पर मैं जैसे पहला है एक्स बी वाला निकाल रहे हैं, हम ये एक्स बी वाला निकाल रहे हैं। तो एक्स बी वाला कैसे आएगा? देखिए 0 × 20 प्लस 0 × 24 प्लस 0 × 70। मैं एक निकाले दे रहा हूँ। हम पहला जो जेड जे की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 0 × 20 प्लस 0 × 24 प्लस 0 × 70। ठीक, अब हम जब इस सबका पूरा वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 × 20 0 प्लस 0 × 24 0 प्लस 0 × 70 0। अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0। ये देखिए आपके पास जो पहला लिखा है वो है 0। सिमिलरली यहां पर आगे x1 वाले में देखिए 0 × 2 0 × 3 प्लस 0 × 7 0 × 2 प्लस 0 × 3 प्लस 0 × 7। अब चूंकि यहां पर सभी में 0 का मल्टीप्लीकेशन है, 0 का सब में मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो ये जेड जे की सभी वैल्यूज कितनी? 0 0 आ जाएंगी। आपको करना यही प्रोसेस है आपका, यहाँ पर सभी जगह जेड जे की वैल्यू 0 0 आ जाएगी। अब आपको निकालना है जेड जे माइनस सी जे। मैं यहाँ पर आपका एक बार लिख लेता हूँ, जेड जे ठीक, ये आपका जेड जे कैसे निकलेगा? अब आपको निकालना है जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे ठीक। वो कैसे निकलेगा? जेड जे माइनस सी जे निकलेगा आपको जो जेड जे आया है, जैसे यहाँ पर जेड जे की वैल्यू है 0, यहाँ पर सी जे की वैल्यू है 15, तो 0 − 15 0 − 15 ये आ जाएगा माइनस का 0 − 15 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 15 ठीक, ये आ गया आपका। सिमिलरली आगे यहाँ पर देखिए 0 − 6 तो माइनस का 6, 0 − 9 तो माइनस का 9, 0 − 2 तो माइनस का 2, 0 − 0 0 0 − 0 0 0 − 0 0। अब यहाँ पर इसके बाद जो हम करेंगे यहाँ से, अब आगे जितने भी अब टेबल बनेंगी उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कोई नेगेटिव वैल्यू है? हाँ है। कौन सी? -15 है, -6 है, -9 है, -2 है, ये सारी की सारी नेगेटिव है। हमें इस जगह पर जेड जे माइनस सी जे की सभी वैल्यूज क्या चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ी होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चार वैल्यूज ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, चार वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें जो सबसे मोस्ट नेगेटिव है, सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, हम उसको ले लेंगे। क्या करेंगे? ये रहा हमारे पास सबसे मोस्ट नेगेटिव, कौन सी है? माइनस का 15। अब जो ये माइनस का 15 है, इसके सामने ऊपर देखिए सबसे ऊपर कौन सा वेरिएबल है? एक्स वन।
ये जो है ये है एक्स वन, ये क्या है, ये हमारा कहलाएगा एंटरिंग वेरिएबल। हमारे पास एक्स वन हो गया, यहां पर हम यहां लिख लेते हैं एक्स वन क्या है, एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल। इसका मतलब कि अब ये हमारा एंटर करेगा, लेकिन किसकी जगह एंटर करेगा, ये एंटर करेगा लीविंग वेरिएबल की जगह, लीविंग वेरिएबल की जगह। तो अब हमें लीविंग वेरिएबल निकालना है, तो लीविंग वेरिएबल कैसे निकलेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये हो गया एंटरिंग वेरिएबल, अब हमें चाहिए लीविंग वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, जो ये एक्स वन के जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन से, टू थ्री और सेवन, ये तीन एलिमेंट हैं, एक्स बी से एक्स बी में जो है इनसे डिवाइड कर देंगे, एक्स बी को इनसे डिवाइड कर देंगे। कैसे, 20/2, 24/3, 70/7। हमें क्या निकालना है, इसका मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो निकालना है एक्स बी अपॉन एक्स वन, ये एक्स बी अपॉन एक्स वन। यहां पर देखिए हमने लिखा है मिनिमम रेशियो, कैसे, एक्स बी और जो हमने एंट्रिंग वेरिएबल वाला कॉलम है उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, 20-2, 24/3, 70/7। जो हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया है, जो हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया है एक्स वन वाला, ये कॉलम कहलाता है आपका की कॉलम, ये है आपका की कॉलम, इसी को बोलते हैं पाइवोट कॉलम। कहीं कहीं आपको बुक्स में मिल जाएगा पाइवोट कॉलम और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा की कॉलम, ठीक। तो ये सारा पूरा जो है की कॉलम कहलाएगा। तो की कॉलम के एलिमेंट से हम एक्स बी को, जो एक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखिए 20/10, 20/2 यहां पर आएगा, 20/2 तो कितना आ जाएगा 10, 24/3 तो कितना आ जाएगा 8, 70/7 तो यहां पर आ जाएगा 10, ठीक। अब हमें देखना है इसमें ऊपर क्या लिखा है, मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स वन, सबसे मिनिमम कौन सा है, 8, ये आपका 8 इसमें मिनिमम रेशियो है। तो इसके सामने की जो रो होगी, इसके सामने की जो रो होगी वो कहलाएगी हमारी की रो, या इसी को बोल सकते हैं पाइवोट रो। आपका ये हो जाएगा की रो या पाइवोट रो, ठीक, ये आपका हो गया की रो। अब देखिए अगर आप देखें तो जो ये रो थी और जो ये कॉलम था वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस थ्री पर, इस थ्री पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो ये आपका थ्री इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहलाएगा आपका की एलिमेंट। ये जो आपका जहां पर इंटरसेक्शन ये मैंने सेलेक्ट किया है, ये है आपका की एलिमेंट, आपका की एलिमेंट। यहां तक भी आसान है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें ये क्या करना है कि अब हमको जो हमारा लिविंग वेरिएबल है वो कौन सा निकल के आया, S2, ये हमारा लिविंग वेरिएबल है। मतलब कि ये वाला वेरिएबल हटेगा और इसकी जगह आएगा X1, X1 क्योंकि हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल है तो वो एंटर करेगा, लिविंग वेरिएबल कौन सा है, S2, तो ये मतलब कि छोड़ेगा, तो इसकी जगह हमारे पास X1 आएगा। और X1 की वैल्यू कितनी है, X1 की वैल्यू यहां पर है 15, X1 का जो कॉफिशियंट है वो 15, वो कहां पर आएगा, इस CB की जगह, CB में जो ये जीरो है इसकी जगह आ जाएगा 15, ठीक। इस देखिएगा S2 की जगह X1 आएगा, इस जीरो की जगह 15 आएगा। इतना करने के बाद, इतना तो करना ही करना है, अब हमें एक चीज और करनी है, क्या कि इस पूरी रो को, जो S2 वाली पूरी रो है उसमें की एलिमेंट को हमें यूनिट बनाना है, की एलिमेंट को हमें वन करना है। तो वन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वन ये तभी होगा जब हम इसको इसी से डिवाइड कर दें, जब हम इसको इसी से डिवाइड कर दें। तो देखिए जब हम इस एक को तो डिवाइड करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को थ्री से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि रो टू डिवाइडेड बाई थ्री, रो टू डिवाइडेड बाई थ्री। तो देखिए यहां पर एलिमेंट क्या आ जाएगा, 24/3 8, 3/3 1, 1/3 3/3 1, 25/3 0/3 0, 1/3 0/3 0,
ये तो आ गया ये वाला एलिमेंट। साथ में अब जो ये S1 और S2 हैं, इनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम। जो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं ये फॉर्मूला है, कंट्रोल सी, और मैं यहां पर देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं। ये है आपका, ये आपका आ गया। ठीक, न्यू एलिमेंट इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। यहां पर सही से नहीं आया है, आप लोग यहां पर देखिए, न्यू एलिमेंट इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो अब हम जरा अपने न्यूमेरिकल में देखते हैं, अब हम इसको अपने न्यूमेरिकल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ये रहा हमारा, ये देखिए हमारे पास जो ये वाली टेबल थी, कौन सी? पहली हमने ये बनाई थी, हमने क्या बताया था? यहां पर आएगा 8 जो सेकंड रो है, 8, 1, 1/3, 1, 25/3, 0, 1/3 और 0। ठीक, तो हम केवल पहले इसको देखते हैं। यहां पर देखिए क्या आ गया दूसरा वाला, ये S2 था, यहां पर S2 की जगह हमारे पास आ गया X1 एंट्रिंग वेरिएबल, इसकी वैल्यू आ गई 15। ये देखिए यहां पर 8, ये 1, 1/3, 1, 25/3, 0, 1/3, 0। ठीक, और यहां पर हम जो हमारे पास आया था 8 आया था ना, तो हम उसको भी डिवाइड कर रहे हैं किससे? 1/3 से। ये लेकिन अभी बाद में देखेंगे। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास ये वाली टेबल आई थी रो वाली, अब हमारे पास याद रखना है पिछली टेबल को, जो ये वाली एलिमेंट है रो वन के और रो थ्री के, उसके लिए देखिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपके पास यहां पर था 20, ये क्या था? 20। अब 20 की जगह यहां पर 4 कैसे आया? 20 की जगह यहां पर 4 कैसे आया? हमने क्या किया? ओल्ड एलिमेंट हमारे पास कितना था? 20 माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। ठीक है ना, तो अब यहां पर देखिए हमारे पास जो की कॉलम था उसमें कौन सा एलिमेंट है? इसमें है हमारे पास 2, और की रो में कितना है हमारे पास? कितना है? 24। हमारे पास जो की रो में एलिमेंट है, हमारे पास की रो में एलिमेंट है 24। हमारे पास की रो कौन सी आई थी? ये था। हमें इसका और इसके करेस्पॉन्डिंग जो की कॉलम का एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 24 गुड़े दो। तो हम यहां पर कर रहे हैं विद इन द ब्रैकेट 24 into 2। ठीक, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये, हमने इसको ये बंद कर दिया। ठीक, और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है? की एलिमेंट कितना? 3। ठीक, की एलिमेंट ये 3। तो अब देखिए कितना आएगा, यहां से आ जाएगा आपका कितना? 16। 24 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 24 × 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो 20 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपका? 4। ये आ गया आपका, यहां पर देखिए ये आ गया XB में जो पहला एलिमेंट है वो 4 आ गया आपका 4 आ गया। सिमिलरली अब दूसरे में देखिएगा, दूसरे में आपका ओल्ड एलिमेंट क्या था? 2। यहां पर देखिए ओल्ड एलिमेंट था 2। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? एलिमेंट इन रो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 3। ठीक, 3 इंटू
इसके करेस्पॉन्डिंग कॉलम में एलिमेंट कौन सा है? ये टू, तो थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट कितना? थ्री, तो आपका आ जाएगा टू माइनस थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई थ्री। मैं एक बार स्कोर करके दिखा देता हूं, ओल्ड एलिमेंट टू माइनस विद इन द ब्रैकेट क्या आएगा आपका एलिमेंट इन रो क्या है थ्री इंटू एलिमेंट इन कॉलम टू ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई की एलिमेंट दैट इज थ्री। तो देखिए यहां पर तीन दूना छह बटे तीन दो टू माइनस टू दैट इज यहां पर आ जाएगा टू माइनस टू और इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जीरो। ठीक, तो यहां पर देखिए आपका जो दूसरा एलिमेंट है वो आ गया जीरो। ऐसे ही जब यहां पर ये फॉर्मूला प्लान बनाएंगे यहां पर आएगा वन बाई थ्री, ये थ्री, ये माइनस का थर्टी टू बाई थ्री, ये वन, ये माइनस का टू बाई थ्री, ये जीरो। यही सेम प्रोसेस आप जो थर्ड रो है उसके लिए भी करेंगे, जो आपकी थर्ड रो है उसके लिए भी, उसमें क्या जीरो एस थ्री। फिर यहां पर देखिए यहां पर पहले कितना था 70, यहां पर था आपका 70, यहां पर कितना आ गया 14, यहां पर आ गया आपका 14, फिर 0 माइनस का 7 बाई 3 माइनस का 7 माइनस का 172 बाई 3 0 माइनस 7 बाई 3 और 0। आपको ये फॉर्मूला जो की रो है उसको छोड़ करके दोनों में अप्लाई कर देना है। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको अगेन फिर से जेड जे निकालना है। ये जब आप सब कर लेंगे इसके बाद आपको निकालना है जेड जे। तो देखिए पहले सारे जेड जे की वैल्यू जीरो जीरो आ रही थी, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो कॉफिशियंट जो बेसिक वेरिएबल के कॉफिशियंट है वो जीरो जीरो थे, लेकिन अब यहां पर एक कॉफिशियंट कितना आ चुका है 15, अब आपका 15। तो अब यहां से पहला जेड जे की वैल्यू देखिए ये आ रहा है एस वन इक्वल टू फोर, तो जीरो इंटू फोर, फिर यहां पर 15 इंटू एट और 0 इंटू 14, तो यहां पर देखिए 0 इंटू 4 0, 15 इंटू 8 120, 0 इंटू 14 कितना आ जाएगा 0। तो आपके पास जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। हम इसमें से कोई एक देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग हटके हो, मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला X4 वाला। तो देखिए 0 इंटू माइनस का 32 बाई 3 यहां पर लिखते हैं 0 इंटू, इसको थोड़ा अलग सॉल्व कर में 0 इंटू माइनस का 32 बाई 3 माइनस 32 बाई 3। ठीक, एक सेकेंड, अब अगला है आपका 15, क्या है 15 इंटू 25 बाई 3, तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा प्लस 15 इंटू 25 बाई 3। ठीक, प्लस अगला क्या आएगा, अगला आ जाएगा अब आपका यहां से 0 इंटू माइनस 172 बाई 3, 0 इंटू माइनस 172 बाई 3, तो 0 इंटू माइनस 172 बाई 3 ये आया। तो देखिए यहां पर 0 इंटू माइनस 32 बाई 3 ये हो गया आपका 0, प्लस 15 इंटू 25 बाई 3, तो यहां से ये 15 कितने 3 बार 3 से ये डिवाइड होगा 15, तो कितना 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आएगा कितना 5 इंटू 25, तो हाउ मच 125। फिर यहां पर 0 इंटू माइनस का 172 बाई 3, तो ये यहां पर अगेन प्लस में चाहे माइनस में आप चाहे जो भी लिख लीजिए प्लस का 0 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। मैंने ये एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा दिया। तो यहां पर देखिए जेड जे की वैल्यू आ गई 125। सिमिलरली यहां पर 0 इंटू 1 15 इंटू 0 0 इंटू 0, तो ये पूरा 0, यहां पर ये 5 और ये 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, अगेन हमें निकालनी है जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू। तो यहां से देखें क्या आया है 15, जेड जे की वैल्यू और सी जे की वैल्यू 15,
जब 15 माइनस 15 जीरो, यहाँ जेड जे की वैल्यू 5, यहाँ पर सी जे की वैल्यू 6, तो 5 माइनस 6 कितना बचेगा, माइनस का 1, यहाँ पर 15, जेड जे की वैल्यू सी जे की वैल्यू 9, तो 15 माइनस 9 6, फिर यहाँ पर जेड जे की वैल्यू 125, सी जे की वैल्यू 2, तो जेड जे माइनस सी जे 123, यहाँ पर 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0। अब हमें अगेन चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव है, चेक कीजिए 0 माइनस 1 6 123 0 5 0, तो ये वाला केवल आपका माइनस 1 एक वैल्यू है यहाँ पर, तो हमें अभी इसको भी पॉजिटिव करना है, हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो अब क्या करेंगे, हमारा इसके सामने का वेरिएबल, इसके सामने क्या है, एक्स टू, एक्स टू क्या है हमारे पास, इसके सामने का वेरिएबल, तो ये हमारा हो गया एंटरिंग वेरिएबल। अब ये एंटर करेगा, लेकिन अब कहां पर एंटर करेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो। तो हम कैसे निकालेंगे, वही एक्स बी डिवाइडेड बाय इसके करेस्पॉन्डिंग ऑल ऑफ एलिमेंट, तो मतलब कि 4/1/3, 8/1/3, 14/-7/3, ये हमारे पास निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब हम कभी भी मिनिमम रेशियो निकालते हैं, जब हम कभी भी मिनिमम रेशियो निकालें, तो उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू कोई आ रही हो या अनडिफाइंड वैल्यू आ रही, मतलब कि नीचे अपॉन में जीरो आ रहा हो, तो वो कभी भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो या अपॉन में जीरो मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू आ रही हो, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/1/3 कितना आ जाएगा, 12, 8/1/3 कितना आएगा, 24, और यहाँ पर 14/-7/3 आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का सिक्स, ठीक। तो इसमें हमारे पास माइनस वैल्यू, तो माइनस वैल्यू को हम जो है इग्नोर कर रहे हैं। अब हमारे पास बचे कितने, हमारे पास बचे दो, एक में आ रही है रेशियो 12 और एक में आ रहा है 24, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो कौन सा है, 12 वाला, जो 12 वाला है वो मिनिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि इसके सामने वाली रो, मतलब कि ये वाली रो, अब ये रो आपकी कौन सी है, की रो या पाइवट रो, आपका ये है की रो या पाइवट रो, ये वाली रो। तो इसमें जो वेरिएबल है वो होगा आपका लिविंग वेरिएबल, इसमें जो वेरिएबल आएगा वो होगा लिविंग वेरिएबल। तो इसका मतलब कि S1 हटेगा और हमारे पास कौन सा था, X2, एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा था, X2, तो इस S1 हट जाएगा और इसकी जगह आएगा X2, और X2 की जगह जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, X2 के सामने कितनी वैल्यू है, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अगेन अब हमारे पास X2 में जो इंटरसेक्शन है, हमारे पास ये वाला कॉलम था, ये कॉलम था और ये हमारे पास रो थी, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा। तो इसका मतलब कि ये 1/3 अब हमारा हो गया की एलिमेंट, ये हमारे पास 1/3 आएगा की एलिमेंट। तो इसका मतलब कि अब हम फिर से इस 1/3 को इस पूरी रो से डिवाइड करेंगे, कैसे, 4/1/3, 0/1/3, 1/3/1/3, 3/1/3, -32/1/3, 1/1/3, -2/3, 1/3, 0/1/3, ठीक, ये करेंगे। इसके बाद जो दो बाकी की बची हुई रो हैं, जो बाकी दो बची हुई रो हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वही फॉर्मूला, कौन सा, ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ठीक। तो हम वही फॉर्मूला दोबारा करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो अगली टेबल आ रही है, जो अगली टेबल आ रही है, यहाँ पर हमने S1 की जगह रख दिया X2, क्यों, क्योंकि ये हमारा था एंट्रिंग वेरिएबल, हमारा ये था एंट्रिंग वेरिएबल, ठीक। यहाँ पर जीरो था, इस हमने यहाँ पर X2 की वैल्यू रखी 6, हमारे पास ये आ गया 6। अब यहाँ पर देखिएगा 4/1/3, तो 4/1/3 कितना आ जाएगा,
आपका 12, ठीक। 0 बाई 1 बाई 3, 0, 1 बाई 3, 1 बाई 3 कितना 1, 3 बाई 1 बाई 3 कितना 9, माइनस का 32 बाई 3, 1 बाई 3 तो कितना माइनस का 32, माइनस का 1 बाई 1 बाई 3 तो कितना 3, फिर यहाँ से माइनस का 2 बाई 3, 1 बाई 3 तो कितना माइनस का 2, यहाँ से 0 बाई 1 बाई 3 तो कितना 0, ये आ गया आपका, ठीक। और इन दो बाकी की जो दो बची रो हैं, जो बाकी की बची दो रो हैं उसमें हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या, ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 4, फिर यहाँ पर 1, ये 0, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर 57 बाई 3, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। सिमिलरली एस थ्री वाले में यहाँ पर आ गया आपका 42, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 14, यहाँ पर माइनस का 132, यहाँ पर 7, यहाँ पर माइनस 7 और यहाँ पर 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमें फिर से क्या निकालना है, अब हमें फिर से निकालना है जेड जे। तो अब देखिए, अब जेड जे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास जो सी बी के कॉफिशेंट हैं, यहाँ पर आया है 6, यहाँ पर 15 और यहाँ पर एस थ्री आ गया है 0, ये आ गया 0। तो हमें क्या करना है, देखिए 6 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 42। तो देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 6 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 0 इंटू और कितना है यहाँ पर 0 इंटू है 42, तो मैंने यहाँ पर लग दिया 42। अब यहाँ पर इसकी देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 12 72 प्लस 15 इंटू 4 60 प्लस 0 इंटू 42 0। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, ठीक। ये हमारे पास आ गई 132 वैल्यू। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 132। सिमिलरली यहाँ पर 6 इंटू 0 15 इंटू 1 और 0 इंटू 1, तो 6 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये 15। अगला यहाँ पर देखिए 1 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 0 और 0 इंटू 0, तो कितना आ गया, ये 6 आ गया, ठीक। ऐसे ही 9 इंटू 6 प्लस माइनस 2 इंटू 15 14 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 24। इस तरह से हमने ये सारे जेड जे निकाल लिए। अगेन अब हम क्या निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे, हमें अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द जेड जे माइनस सी जे। तो देखिए यहाँ से निकालना है, हमारे पास सी जे की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर ये 15, ये माइनस 5 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये माइनस 15 है, ये 15 है यहाँ पर, ठीक। तो 15 माइनस 15 0, 6 माइनस 6 0, 24 माइनस 9 15, 93 माइनस ये 2x4 कितना है, 2 है, ये x4 यहाँ पर 2 है। याद रखिएगा ये सी जे की वैल्यू बदलती नहीं है, ये जो आपके सी जे यहाँ की वैल्यू है ये बदलती नहीं है, यहाँ पर ये जो बदली है ना बदलती नहीं है ये, ठीक। तो ये आपका 93 माइनस 2 91, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0। अब आप देखिए तो यहाँ पर सभी जेड जे वैल्यू, जेड जे माइनस सी जे क्या नेगेटिव है कोई, देखिए 0 0 15 91 3 3 0, नहीं कोई भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब कि अब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, अब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। तो उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए होता है, x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज, हमें x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं वो कौन कौन सी आई हैं, केवल x1 और x2 की, केवल x1 और x2, क्योंकि दो ही वेरिएबल तो हैं हमारे पास, यही वैल्यू है, बाकी x3 और x4 नहीं है। तो इसका मतलब कि उनकी वैल्यू हो गई 0, उनकी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू कितनी आई है, x1 की वैल्यू आ रही है 4, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 12, x2 की वैल्यू 12, ठीक।
अब पूरी जो जेडजे की वैल्यू है वो जेडजे की वैल्यू आ रही है कितना 132। तो ये आपका जो मैक्स जेड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 132। तो यहां पर देखिए सिंस ऑल जेडजे माइनस सीजे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड इज गिवन बाय मैक्स जेड इक्वल टू 132। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये उसकी वैल्यू। एक्स वन बराबर आ गया है आपका 4, एक्स टू बराबर आ गया है आपका 12 और एक्स थ्री इक्वल टू 0 और एक्स फोर इक्वल टू 0। एक्स थ्री और एक्स फोर 0 क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर उनकी वैल्यूज नहीं आई, यहाँ पर उनकी वैल्यूज नहीं आई हैं। तो जो नहीं है तो उसको 0, जो वैल्यू आ गई है तो वो आपके पास ये रही, आपके पास ये रही, ठीक। तो अब हमारे पास ये पूरा सिंप्लेक्स मेथड का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। इस तरह से जब कभी भी आपका न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम में बहुत 100% जब श्योर हो तब आप इस न्यूमेरिकल को लगाइए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टाइम लेता है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और टाइम लगने की वजह से कम आपका जब बहुत अच्छे से आता होगा तब कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक ये ले लेता है ये। तो अगर आपको बहुत अच्छे से आता हो तब इसको आप ट्राई कीजिए, नहीं तो इसको लास्ट के लिए आप छोड़ दीजिए कि लास्ट में आप इसको ट्राई करें जब आपके पास टाइम बचे तो, ठीक। तो अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सचिन कुछ पूछना है? चलिए चलिए, मंतसा आपको? नो सर। निष्ठा आपको बेटा? नो सर। ओके, अनिकेश जी अभी आ रहे हैं, क्लास और होने जा रही है। चलिए सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, प्लीज एवरीबॉडी राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स। अमित, सचिन, अनिष्ठा, अनिकेश आप भी अपना नाम लिख दीजिए, आप बहुत लेट हो गए बेटा। अनिकेश राइट डाउन योर नेम प्लीज। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो विद मिनिमाइजेशन केस। कल जो है हम मिनिमाइजेशन केस करेंगे। और एक चीज और, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल हो सकता है अभी ज्यादा समझ में आया हो, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।